तैयारी लग चुकी है चारों साइड पे। आप देख रहे हो किस तरह से जो है पवेलियन वाली साइड जो है यहाँ पे चमक गई है। आगे हमारे सारे बीएफए कंप्लीट है। अच्छा, बीएफए कंप्लीट है। तो चारों साइड पे काम चल पड़ा है। ये ईस्ट वाला स्टैंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे वॉल आर्टिस्ट आए हैं और बीएफए वाले स्टूडेंट भी, उनके साथ हमारी बात हुई। बहुत अच्छे चल रहे हैं। मतलब कहाँ से हो आप? थोड़ा सा दिल्ली से। आप बना रहे हैं आप? और इस साथ में कौन सा क्रिकेटर है? क्रिकेटर अभी हम वैसे ही कैरेक्टर ले रहे हैं, कोई अच्छा नहीं। मतलब हमें हैबिट हो गई है। अब हैबिट हो गई कहते कहते मैं 10 साल से कम कर रहा हूँ। बीएफए स्टूडेंट भी आई थिंक मुझे लग रहा है सारे। तो सर भी है जो इनके जो मेन हेड है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ था लाइफ में। तो मैं पहले अपना मैंने बैचलर किया है फाइन आर्ट से, फिर मैंने जॉब करी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर एंड फर्नीचर डिज़ाइनर 2 साल बॉम्बे में। फिर मैं फिर यहाँ पे शान लगा रही है आर्टिस्ट के साथ हमारी बात हो गई। उनका इंस्टाग्राम में जाके उनको फॉलो कर सकते हो, उनके बारे में भी हमने बता दिया है। और वॉल आर्ट में जरूर यहाँ पे फोटो लेना ना भूलिएगा और सेल्फी खिंचाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का रजत ट्रैवलॉग में। मैं हूं आप सभी का दोस्त रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलॉग। तो पिछले दिनों में मैंने वीडियोस बनाई थी एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, जो कि आपने देख ली होगी लगभग। तो आज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने मैच के बारे में भी बताया। अभी 5 मैच आने वाले हैं और ओडीआई वर्ल्ड कप की यहां पे तैयारियां लग चुकी है। चारों साइड पे आप देख रहे हो किस तरह से जो है पवेलियन वाली साइड जो है यहां पे चमक गई है। चारों साइड पे काम चल पड़ा है। ये ईस्ट वाला स्टैंड यहाँ पे है। तो यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे वॉल आर्टिस्ट आए हैं और बीएफए वाले स्टूडेंट भी, उनके साथ हमारी बात हुई। तो ये वाली जगह खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम जितना एक्सपोजर मिलेगा ना वॉल आर्ट मतलब क्रिकेट की जो एग्जीबिशन है यहाँ पे दिख जाएंगे चारों साइड पे दीवारों पे। तो इनसे भी बात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीपक कुमार। कहाँ से हो दीपक भाई? आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली, तो दिल्ली से यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या क्या चल रहा है अभी एचपीसीए की तैयारियाँ? मेरा बीएफए चल रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। कॉलेज ऑफ आर्ट्स से? अच्छा। मैं 10 दिन के लिए आया हूँ और ये वॉल आर्ट करने के लिए मतलब इनकम कलर वगैरह के लिए इनकम चाहिए होता है, आपको पता ही है। अच्छा अच्छा, तो हमारे बैक साइड में हम करते हैं। अच्छा, मतलब एज अ फ्रीलांसर आप इसको कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है दीपक भाई, बहुत ही अच्छा है। तो आपके साथ कितने स्टूडेंट आए वैसे दिल्ली से? बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये सारे स्टूडेंट ही है सभी? नहीं, हमारे सारे बीएफए कंप्लीट हैं। अच्छा, बीएफए कंप्लीट है। तो अभी हम एचपीसीए स्टेडियम के ईस्टर्न स्टैंड वाली साइड है और ये गेट नंबर 10 है ना भैया? गेट नंबर 10 है और यहाँ पे चल रहा है वॉल आर्ट। और ये बीएफए के स्टूडेंट है और एज ए फ्रीलांसर ये काम करने के लिए भी आया। तो देखिए किस तरह से तैयारी है यहाँ पे चल रही है। आगे वाली साइड भी हम आपको बताते हैं। अभी भैया आ रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? हाँ भाई, मस्त है। कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छे चल रहा है। मतलब कहाँ से हो आप? थोड़ा सा आप भी कॉलेज से आए थे? अच्छा, कॉलेज से। कौन सा कॉलेज? बीएफए स्टूडेंट ही हो आप सभी? सारे। तो यहाँ पे कुछ खास बताइए कि क्या क्या आपका मतलब पूरा काम रहने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे स्टेडियम में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है और यहाँ पे सारे की सारी जितनी भी हैं पेंटिंग्स वगैरह के लिए हमें बुलाया गया है। तो दिखाएंगे भी साथ साथ में। ये क्या बना रहे हो आप? क्रिकेट की टीम वगैरह बना रहे हैं। क्रिकेट का टीम का कोई नाम नहीं है बिकॉज यहाँ पे लोगो वगैरह यहाँ पे मना कर रखे हैं जी, कोई लोगो यहाँ पे नहीं आ सकते जी। इसलिए हम ये फ्री हैं, तो फ्री टीम बना रहे हैं कोई सी भी जी। तो कोई सा भी इंडिया वगैरह कोई नहीं लेके जाएगा क्योंकि
अलग अलग देश से अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं कंट्री से। तो ये सारा वॉल आर्ट आप ही ने किया है? सारा वॉल आर्ट हमने आगे तक आप ही ने किया है वहाँ तक सारा। तो हमने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था HPCA वाली, उसमें जाके आप देख सकते हो। वॉल आर्ट BFA के स्टूडेंट है यार, और फ्रीलांस वे पे ये काम यहाँ स्टेडियम के अंदर भी काम हो रखा है इसके अंदर भी, बट इसके अंदर अभी एंट्री नहीं है, गेट नंबर 2 से एंट्री है। अगर वैसे तो एंट्री नहीं मिलने वाली, 7 तारीख तक वर्ल्ड कप आएगा उसके बाद ही। अभी एंट्री तो क्लोज कर दी है ना मैच तक, मैच के बाद तो फिर जा सकते हैं। तो टिकट वगैरह ले ली आपकी, तो एंट्री फ्री होगी, एंट्री फ्री होगी। हमें हमारा काम होते ही हमें जाना पड़ेगा। अच्छा जाना पड़ेगा, तो 7 तारीख को आप निकलने वाले हैं? हम रुक सकते हैं पर हमें और भी जगह जाना पड़ेगा ना। अच्छा तो हाँ चलो चलो ऑल दी बेस्ट, बाकी करते रहिए। और भैया आपका नाम? उपेंद्र। उपेंद्र जी बताइए और कुछ पेंटिंग के इस आर्ट्स के बारे में, वॉल आर्ट के बारे में। वॉल आर्ट होता है इसमें वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं। जी जी, बाकी आप देख सकते हैं आगे बढ़िया काम हो रहा है। आगे भी अभी पेड़ बना रहे हैं आप, और साथ में कौन सा क्रिकेटर है? ये क्रिकेटर अभी हम वैसे ही कैरेक्टर ले रहे हैं कोई। अच्छा मतलब कैरेक्टर ही ले, कोई नाम नूम वगैरह उसमें? ये भैया भी ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये आप देख सकते हो। हेलो भाई से हाय, आपका नाम? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार जी भी BFA वाले स्टूडेंट है? आप ही हैं? आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट हो आप, तो बताइए अपने बारे में भी, और इसका क्या खास मतलब आपका रहता है, कैसे कैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती आपको कहती बार जैसे पेंट का कुछ? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हमें हैबिट हो गई है। हैबिट हो गई कहते कहते मैं 10 साल से कम कर रहा हूँ इस फील्ड में। मैं कैनवास पेंटिंग बनाता हूँ, पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ जी जी, और क्या बोलते हो म्यूरल भी बनाता हूँ जी, पेंटिंग करता हूँ जी, वॉल पेंटिंग करता हूँ जी, सभी टाइप की आप पेंटिंग। ठीक है भैया, थैंक यू। तो लास्ट में हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, पूरी मेरे को लग रहा है कि ये वाली आकृति बढ़ने ही वाली है, वहाँ से काम स्टार्ट हो रहा था बट यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े वाली है। तो भैया आपका नाम? सूरज। सूरज आप BFA स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स? कंप्लीट है आपकी? कंप्लीट है। तो अभी यहाँ पे काम कर रहे हो, इसके बाद कहाँ पे आपका काम रहेगा? इसके बाद पंजाब जाएंगे। पंजाब जाएंगे? मैं एक दो दिन पहले भी आया था ना, मैं देख रहा था इसके बारे में। पीछे तो, नहीं देखा पीछे? हाँ पीछे भी बहुत सारा देखा था अभी मैंने। यहाँ पे है एक आर्टिस्ट सर है हमारे साथ BFA वाले, आई थिंक आपकी BFA कम्प्लीट हो गई है, और यहाँ पे यही बताएंगे इसके बारे में। बाकी आप पीछे वाली साइड देखिए, ये वाली वॉल पेंटिंग जो है अभी हमने आपको बताई वॉल आर्ट, और ये सारे आर्टिस्ट है और BFA स्टूडेंट भी आई थिंक मुझे लग रहा है सारे। तो सर भी है जो इनके जो मेन हेड है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर नमस्कार, आपको सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण जस्ट है। तो बताइए इस वॉल आर्ट के बारे में, कैसे कैसे आपका यहाँ पे आना हुआ? बेसिकली इस लाइन में आना हुआ या फिर ये आपका धर्मशाला में आना हुआ? धर्मशाला में भी, और इस लाइन इस लाइन में बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ था लाइफ में। तो मैं पहले अपना मैंने बैचलर किया है फाइन आर्ट से, फिर मैंने जॉब करी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर एंड फर्नीचर डिज़ाइनर 2 साल बॉम्बे में, फिर मेरा मास्टर्स है इंटीरियर में। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे स्विचेज आए, बहुत सारे चेंज आए, तो एक स्टेबल लाइफ नहीं मिली। बट एक प्रोजेक्ट फिर मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अपना, पेंट वॉल पेंटिंग का ही नोएडा में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, किरण नादर म्यूजियम का प्रोजेक्ट था वो। तो उससे वहाँ से मेरी शुरुआत हुई 2018 में, तब से हम लोग वॉल आर्ट ही कर रहे हैं प्रॉपर। फिर कोविड के टाइम पीरियड में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, बट अभी दोबारा से हम लोग इसमें इस लाइन में दोबारा आ गए स्टार्ट करते हुए। और हम लोगों की मेरी जो टीम है, मेरा फर्म का नाम है साइनी सर्कल, और हम लोग मेरी टीम में कम से कम 40-50 आर्टिस्ट हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं। और आपका कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब आज का सोशल मीडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, तो उसके बारे में? यूट्यूब का चैनल नहीं है मेरा, इंस्टाग्राम में मेरा जो आईडी है सैमी
__circle डबल अंडरस्कोर है। एक बार दोबारा से बताएंगे एक एक वर्ड में, थोड़ा पास लीजिए। सेमी __circle सर्कल, ये वाली आपकी इंस्टा, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो कैसा लगता है ये काम करना? मतलब ये बेसिकली हम मतलब काफ़ी फ्रीडम है हम लोगों को ना। क्या होता है कि हम इसमें हमें दो चीज़ होता है कि एक तो हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, लाइक जो चीज़ हम करना चाहते थे लाइफ में वो कर रहे हैं जी बिल्कुल। और दूसरा कि हमें घूमने को मिल जाता है, हम हर स्टेट जाके काम करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग काम करते हैं। तो अभी हम धर्मशाला में ये आपका वर्ल्ड कप का प्रोजेक्ट है ये धर्मशाला में, और अभी जस्ट रिसेंटली हम आगरा का मेट्रो प्रोजेक्ट करके आए हैं। तो ये ऐसे सिटी बाय सिटी मिलता रहता है, घूमने को भी मिलता रहता है, तो हम घूमते भी रहते हैं और काम भी करते हैं। तो इसमें ना किसी की टेंशन और अपना काम की, और उसके बाद अपनी टीम वर्क में भी वो एकदम exactly, ना उसे टीम वर्कर को भी प्रेशर होगा ना स्ट्रेस होगा, वो भी घूम सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ये ऐसा ही होता है कि वो भी खुश होते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं 6-7 घंटे, उसके बाद प्रोजेक्ट के इनिशियल डेज और प्रोजेक्ट के एंड के डे हम लोग एक कुछ दिन रखते हैं जो घूमने के होते हैं। तो आपको ऑल दी बेस्ट, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और इसी तरह काम करते रहिए, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं आप ही की तरह, तो हम भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते रहते हैं। और स्ट्रेस में यार बिल्कुल भी काम ना करिए, क्योंकि लाइफ मिली है तो इसको मतलब दिल खोल कर और उसके बिल्कुल ये करना चाहिए। काम बेशक हमें ही करने पड़ेंगे, बट इसी तरह एग्जाम्पल इन्होंने बहुत ही अच्छा दिया, और इसी तरह आप जरूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बता दिया अपने आप, तो उसको सर्च कर सकते हो। एंड थैंक यू आपका, बाकी आप इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। कोई ना, थैंक यू सर, थैंक यू। आज 1st of October है, 7 मैच को यहाँ पे मैच होने वाला है, तो 2nd मैच तो आपको पूरी लिस्ट जो है पता लग जाएगी, पूरा वेन्यू वर्ल्ड कप का, और धर्मशाला में यहाँ पे दस्तक दे चुकी है वेन्यू टीमें, और टीमों के आने की यहाँ पे इंतजार है। 7 तारीख को जरूर आइए, अगर आपने टिकट बुक नहीं करवाया तो करवा सकते हो, और पता भी कर सकते हो पेटीएम और बुक माई शो में। बट यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट और क्रिकेट के फैंस भी होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है, तो इनसे भी करते हैं बातचीत। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी कहाँ से हो? हम शिमला से। शिमला से हो, मतलब स्पेशली यहाँ पे टिकट वगैरह बुक कराने के लिए। अच्छा, आपकी होगी बुक शिमला से? स्टडी करते हो कि मतलब जो आपका स्टडी किस में होगा? कॉलेज। तो धर्मशाला यहाँ पे आना जाना तो होता होता है। और कैसा लगता है यहाँ पे आज के दिन? बहुत बढ़िया है, बहुत इंडिया के मैच देखने में मौका मिलता है यहाँ पे। अच्छा, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इसलिए वर्ल्ड कप का। ओके, और यहाँ पे घूमे भी भाई आप कहीं पे? बस अभी नहीं है। अच्छा, घूम नहीं है, पहुँची। कैसा लगता है यहाँ क्लाइमेट कैसा है शिमला के मुकाबले? मतलब शिमला और यहाँ का सेम ही है? सेम है। तो कुछ डिफरेंस? कुछ खास डिफरेंस है। अच्छा, तो ये सारे भाई लोग हैं ये घूमने आया है शिमला से, और टिकट बुक करवाने आया है यार शिमला से, इतने दूर से। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है फैंस में, क्रिकेट फैंस में, आप भी आइए और यहाँ पे ग्राउंड पे जो है सेल्फी लीजिए, मैं बोलता हूँ सबसे पहले। क्यों भाई? ये जो वॉल आर्ट है ये काफ़ी यहाँ पे शान लगा रही है। आर्टिस्ट के साथ हमारी बात हो गई, उनका इंस्टाग्राम में जाके उनको फॉलो कर सकते हो, उनके बारे में भी हमने बता दिया है। और वॉल आर्ट में जरूर यहाँ पे फोटो लेना ना भूलिएगा, और सेल्फी खिंचाना ना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रजत ट्रैवलॉग को, जरूर प्रेस द बेल आइकन बटन और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को।